पहली बात करते हैं पाकिस्तान में जो सबसे टॉप और स्टैंडर्ड एमबीबीएस और बीडीएस के लिए यूनिवर्सिटी है वो है एक्यू की। नाम सुना है किसी ने एक्यू का? अलकान यूनिवर्सिटी का। अलकान यूनिवर्सिटी ये कराची में है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान में सर्विसेज दे रही है बल्कि सिक्स और कंट्रीज भी ऐसी है जहाँ पर अलकान यूनिवर्सिटी अपनी सर्विसेज दे रही है। अलकान यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। लेकिन वो बच्चे जो कहते हैं कि हम यहाँ से बगैर भी के करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अलकान यूनिवर्सिटी का टेस्ट कब से स्टार्ट होता है, उसका सिलेबस क्या है, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को लेकर बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये कि इसकी अप्लाई इंडिकेट से पहले होती है, एक्यू की अप्लाई अपने साथ में मार्च में स्टार्ट होती है, मार्च या अप्रैल में एक्यू की अप्लाई स्टार्ट होती है और इसका टेस्ट अगस्त में होता है। टेस्ट कब होता है इसका? अगस्त में होता है, कम टाइम होता है, लेकिन अप्लाई इंडिकेट से पहले करनी है। आप लोग का एग्जाम नहीं हुआ अभी तक सेकंड ईयर का, उससे पहले आप लोगों ने अप्लाई करनी है एक्यू के लिए। सही, एक्यू में एमबीबीएस भी होता है, बीडीएस भी होता है और साथ बीएससी भी होता है। वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि हम नर्सिंग करना चाहते हैं वो भी एक्यू टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नर्सिंग का डेट अलग है और एमबीबीएस बीडीएस के टेस्ट का डेट अलग है। तो आगा खान सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड है पाकिस्तान में। आगा खान यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है? आगा खान यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन बस सिंपल, आपकी जो बुक्स है ये सीखे वही पढ़ने हैं और साथ में आगा खान यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स है। पास पेपर्स के सोर्सेज क्या है वो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ, लेकिन आगा खान यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स आप लोग जितने मैक्सिमम करोगे ना तो उतना हाई स्कोर करोगे। आगा खान यूनिवर्सिटी का टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता, इसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, जस्ट 100 मार्क्स वाला टेस्ट होता है। 20 सीक्यू बायोलॉजी के होते हैं, 20 केमिस्ट्री के होते हैं, 20 फिजिक्स के होते हैं, 20 मैथ्स रीजनिंग और 20 साइंस रीजनिंग। लेकिन वो मैथ्स की तरह नहीं होते, ना साइंस की तरह होते हैं, वो साइंस और मैथ्स रीजनिंग इस तरह लॉजिकल रीजनिंग होते हैं ना, इस तरह ईजी क्वेश्चन होते हैं। तो आप पास पेपर सॉल्व करके आपको ईजीली आइडिया हो जाएगा कि अलकान यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न क्या होता है। अलकान यूनिवर्सिटी का टेस्ट तो सबसे बेहतरीन टेस्ट है क्योंकि उसमें सलेक्शन बहुत कम स्टूडेंट्स का होता है। अलकान यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ 300 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए फर्स्ट राउंड में। इंटरव्यू में फिर वो टॉप 100 स्टूडेंट्स रहते हैं, टॉप 300 इंटरव्यू में आएंगे, फिर उसमें से टॉप 100 स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा। टॉप 100 स्टूडेंट्स में जो टॉप 5 स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री एमबीबीएस है वो देंगे। उनका तकरीबन टोटल एमबीबीएस का खर्चा है 1,70,00,000, मतलब जो टॉप 5 स्टूडेंट्स हैं तो उनको 1,70,00,000 का स्कॉलरशिप दिया जाएगा, उनसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा जो टॉप 5 में आ गए। 95 वाले क्या करेंगे, अगर वो इंपोर्ट कर सकते हैं मतलब 30,00,000 पर मंथ दे सकते हैं तो वो वहाँ पर एडमिशन कर सकते हैं, लेकिन अगर वो 30,00,000 नहीं दे सकते, गरीब है, तो वो अलकान यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट लोन ले सकते हैं। स्टूडेंट का खर्चा, स्टूडेंट लोन में वो आपसे चंद पैसे लेते हैं, मतलब अगर 30,00,000 का खर्चा है तो आपको कम कर देते हैं, जितना इंपोर्ट कर सकते हैं 2,00,000, 1,00,000, 3,00,000 जितना दे सकते हो वो आप दोगे पर ईयर, बाकी जितनी रिमाइंडर है ना वो आप हाउस जॉब के बाद जब वो सेट हो जाओगे ना तो उसके बाद आप दे सकते हैं। तो अलकान यूनिवर्सिटी को मिस ना करें, कभी ये ना सोचिए कि अलकान यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट्स रहते हैं, किसी को नहीं पता 100 स्टूडेंट्स कौन है, वो आप भी हो सकते हैं क्योंकि सेम बुक्स है, सेम स्टूडेंट्स है, सेम एबीसी है, यही टीचर्स होते हैं, वही पास पेपर वो भी देखते हैं आप भी देखते हो, कभी मिस ना करना इसमें क्या है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 से हो सकता है, पॉसिबल है कि उन टॉप 5 में आप आ जाए, अगर टॉप 5 में नहीं टॉप 95 में भी आ सकते हैं। प्राइवेट से तो अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी अगर आप प्राइवेट की तरफ जा सकते हैं। तो सबसे पहले अलकान यूनिवर्सिटी के टेस्ट को कभी मिस ना करें और अलकान यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन पास पेपर से और साथ में अपने किसी बुक्स, पास पेपर कहाँ से लेना है वो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। कोई क्वेश्चन है अलकान यूनिवर्सिटी के बारे में? कैसे करें अगर बोर्ड की सब नहीं, बोर्ड की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो नहीं, सिर्फ ये बुक से ही नहीं आता, ये जनरल टेस्ट होता है। मैथ्स रीजनिंग में आपकी बुक में, नसिंग की बुक में, साइंस रीजनिंग में नसिंग की बुक में, पंजाब की जनरल टेस्ट होता है, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री का मुश्किल होता है, ईजी टेस्ट होता है, मुश्किल नहीं होता, इंटरव्यू में फिर सिलेक्शन मुश्किल होता है। उसके लिए फिर यूट्यूब पर वीडियो देखनी है और वो क्लियर इंटरव्यू ऑफ अलकान यूनिवर्सिटी, वो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। इंटरव्यू में कौन से किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं? वो मैंने बता दिया कि यूट्यूब पे सर्च करोगे, अगर आप मैं एक एक चीज़ पे लगूँ कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं तो सिर्फ अलकान यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं हो सकता है।
वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना स्ट्रांग है, सिर्फ कम्युनिकेशन की नहीं आपकी नॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे हैंडल कर सकते हो, तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन पहले अप्लाई करें, अप्लाई के बाद टेस्ट दे, टेस्ट के बाद फिर सही है ना। सबसे पहले टेस्ट दे, फिर बाद में सोचते हैं कि कैसे होगी, सिलेक्शन हो गए इंटरव्यू में आपको बताता हूँ कैसे क्लियर करना है।